नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं, जो कि हरियाणा सरकार ने शगुन योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट शुरू कर दी है। हरियाणा का ये नया पोर्टल बनाया गया जी, जो कि आपके साथ पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कोई भी स्किप ना करें। स्किप करते इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होने वाली है। ठीक है जी, ये देख सकते हो हरियाणा विवाह पंजीकरण, अगर बीपीएल वाले परिवार हैं तो उनको उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहाँ से मिली है ये पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। ये होम पेज है, होम पेज से यहाँ पर हाउ टू अप्लाई प्रोसेस आपको पूरे का पूरा मेंशन है। मैन्युअली इन्होंने बता दिया कैसे आपने करना है, अकाउंट क्लिक करके यहाँ पर जो अकाउंट है यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बताएंगे। मैं ये मैनुअली इन्होंने बता दिया कैसे आपने करना है पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन। उससे पहले आपको बताने से पहले पूरी की डिटेल एक नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हो ऑनलाइन पंजीकरण के लिए के बाद ही मिलेगा शगुन। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इस योजना का लाभ अब मैन्युअली तरीके से नहीं मिलेगा। पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ये दिया जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद पंजीकरण आपको इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी की का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। हरियाणा अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को बेटी की शादी के 6 महीने के अंदर अंदर, कितनी जी, 6 महीने के अंदर अंदर अगर बेटी की शादी हो गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर shaadi.edisha.government.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है जी, बीपीएल कार्ड्स के लिए ही, हरियाणा वालों के लिए। ठीक है जी, इसके लिए विवाहित कन्या के माता पिता उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। और अनुसूचित और विमुक्त जाति, यह आ गया ना जी, देख सकते हो अनुसूचित और विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसकी कन्या को शगुन में 71,000 दिए जाएंगे। अगर आपका बीपीएल लिस्ट में नाम है तो आपकी लड़की के शादी पर उसके परिवार को 71,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे, खट्टर साहब की तरफ से दिए जाएंगे। सभी विभाग वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में हैं। ये सारी की सारी रिपोर्ट आज की अपडेट आई है। और कैसे करना है वो आपको, एक तो ये मैनुअल आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद अपना नेम, अपना मेल आईडी, पासवर्ड न्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने साइन इन पर करना है, साइन इन क्लिक करना है। ठीक है, साइन इन पर क्लिक करके आप पे जो यूजर नेम आपने बनाया है, वो जो पासवर्ड बनाया है, आई एम नॉट रिबोट करके आपने साइन इन कर लेना है। उसके बाद मैरिज रजिस्टर मैरिज पर क्लिक करना है। सिंपली रजिस्टर मैरिज पर क्लिक करते आपकी मैरिज इस एक्ट के अनुसार हुई है तो यस करना है। अगर आपकी एरिया कौन से में हुई है, रूरल में है या कह लें अर्बन डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका वेरवा देना है, यानी कि रूरल मतलब गांव में है, अर्बन मतलब शहर में है, पर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। ठीक है, मैरिज प्लेस कौन सा है, मैरिज की डिटेल सारी देनी है अपने, कौन सी डेट को हुई, कौन सी कंट्री, स्टेट, एड्रेस कहाँ पर हुई। ठीक है, और उसके बाद ग्रूम का पूरी की पूरी डिटेल, ब्राइड की, लड़के लड़की की दोनों की डिटेल्स देनी है। ठीक है जी, उसके बाद विटनेस की, जो विटनेस जैसे आपको विटनेस के भी दिए जाते हैं ना, जो आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए विटनेस दी है जिन जिन की, उनकी यहाँ पर सारी बायो डिटेल, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका दो विटनेस और का एड्रेस। ठीक है, ये सारी यहाँ पर नेम दे देना दोनों का, एक एक और एक एक एड्रेस दे देना, यहाँ पर उनकी फ़ोटो अटैच करनी है। ठीक है जी, यहाँ पर तो ग्रूम की आ गई, यहाँ ब्राइड की आ गई, एक कपल की, एक वेडिंग, ये सारी की सारी डिटेल आपने इस हिसाब से फिल करनी है। अब एप्लीकेंट का नेम, ठीक है, और उसके बाद
माई रजिस्टर टैब पर क्लिक करके अपना व्यू चेक कर सकते हो, सारी की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट प्रोसीड पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर पेमेंट आपको कौन से बैंक से कर सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक, नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एग्रीगेटर, एसबीआई एग्रीगेटर और आईडीबीआई, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीड करके पेमेंट आपने फुल पेमेंट कर देनी है, चाहे एक रुपये हो, दो रुपये हो, जितनी भी है, ठीक है। यहाँ पर एक रुपये एज ए सैंपल के तौर पर बता रखी है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी पेमेंट इस तरह एसबीआई से भी कर सकते हो। ये सारे इन्होंने अलग अलग पोर्टल बता दिए कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है जी। और सिंपली है, पहले आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है और उसके बाद साइन इन करना है। हाँ, अगर किसी परिवार में किसी को नहीं करनी आती, आप अपने नियर सीएससी सेंटर पर जा सकते हो या दिशा केंद्र पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उससे पहले ये कंडीशन लाइबल है भी, आपका नाम बीपीएल लिस्ट में होना जरूरी है। अगर बीपीएल लिस्ट में आपका नेम नहीं है तो आपकी बेटी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपकी बेटी की शादी पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी रही है। तो इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है किसी गरीब परिवार की सहायता हो जाए, किसी की लड़की की शादी में किसी को 71,000 रुपये देखने को मिल जाए। इसलिए जल्द से जल्द वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि किसी कैंडिडेट को ये जो लाइबिलिटी कंडीशन है बीपीएल जिनका आ चुका है, अपनी बेटी का बेटी के विवाह होने के तुरंत बाद 6 महीने के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो शेयर करोगे, सहयोग करोगे तो हमें भी हौसला मिलेगा, हम भी आपको और भी इस तरह की अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।